और इसे हम यहाँ पे इस तरीके से चढ़ा देंगे। बम्बू मटन बनाने के लिए पहले हमें एक बम्बू की ज़रूरत पड़ती है, उसको हमको स्क्रैप करना होता है, यानी कि इस तरीके से हम लोग स्क्रैप कर लेंगे। एक तरफ से देख रहे होंगे पूरी तरह से ये खुला हुआ है और दूसरी तरफ से बंद है ये। अब इसमें सबसे पहले हम लोग सरसों तेल डालेंगे जो पहले से बॉयल किया हुआ है, तो इसमें हमने सरसों तेल डाल दिया। मतलब कि देखिए इसमें सरसों तेल 25 ग्राम के लगभग में हम लोग डालते हैं और इसको थोड़ा हिला देंगे। उसके बाद हम लोग प्याज लेंगे मटन के हिसाब से, जो हमारे बम्बू हैं उसके हिसाब से हम लोग ये लेंगे। उसमें नमक लेंगे, ग्रीन मिर्च 2 ले लेंगे और उसको तोड़ देंगे। इसमें देखिए बम्बू के अटने के ऊपर है कि कितना माल अटेगा, उसी हिसाब से हम लोग ये लेते हैं। इसमें लगभग 300-400 ग्राम तक ही मटन आता है और उसके ये लहसुन का पेस्ट है। ग्रीन धनिया पत्ता, उसके बाद आता है बम्बू मटन बनाने के लिए स्पेशल मसाला आता है जो ओल्ड चंपारण मीट हाउस में निर्मित होता है और यहाँ पर उपलब्ध भी रहता है। तो ये हम 2 चम्मच लेंगे। उसके बाद हम लोग तेल लेंगे, तेल लगभग आपको 100 ग्राम के लगभग में लेना है। इसको अच्छे तरीके से हम लोग पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद आती है मटन की बारी आती है, तो हम लोग मटन ले लेंगे। उसको भी फिर अच्छे तरीके से हम लोग मिला लेंगे। किस तरीके से आपका बम्बू मटन तैयार होता है, हमारा मिश्रण बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है और ये बम्बू में फिलिंग होने के लिए तैयार है। एक बेलन की सहायता से इसके अंदर एयर ना रह जाए, इस चीज़ के लिए इसको दबा दबा कर पैक कर देंगे। हमारा बम्बू भर चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सिल्वर फाइल लगाएंगे। एक होल कर लिया और ये है बम्बू मटन बनाने के लिए स्पेशल, एक क्लॉथ से बना हुआ है, इसके होल है और इधर से इसका वाइल वगैरह और मतलब कि इसका वाष्प जो होगा इधर से निकलेगा। इसको हम लोग लगा देते हैं कि कपड़ा जले नहीं। उसको फिर इस तरीके से फिट कर देंगे और एक क्लिप की माध्यम से जो बाज़ार में आराम से अवेलेबल है, और इसको ऐसे लगाकर स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम इसे कस देंगे। तैयार हो चुका है, अब ये अंगेठी पे जाएगा और पकने के लिए। अंगेठी पे जाने के लिए तैयार हो चुका है और इसे हम यहाँ पे इस तरीके से चढ़ा देंगे। और अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर लौ जो है सट रहा है, तो लौ को भी सटने नहीं देंगे हम लोग, थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे। इसमें हम लोग पानी डालते हैं एक सिरिंज की मदद से, लेकिन अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी चूँकि हम लोग चढ़ाए ही हैं और इसमें लौ को है कि सटने नहीं दिया जाता है, नहीं तो बांस जल्दी से जल जाएगा। मेरा बम्बू मटन तैयार हो चुका है, अब इसके क्लिप को निकाल रहा हूँ। अब देख रहे हैं कि खुशबू फैलना शुरू हो गया। मेरा बम्बू मटन बन के तैयार है और मटन का ये सबसे हार्ड पोर्शन होता है जो पूरी तरह से कुक हुआ है कि नहीं हम चम्मच की सहायता से इसको काटते हैं। अब देख रहे हैं कि हमारा मटन
बिल्कुल अच्छे तरीके से कट गया है और काफ़ी अच्छा कुकिंग हुआ है, तो हमारा मटन बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है। पूरी तरह से गल चुका है। भाई ये है चंपारण मीट हाउस, एड्रेस जो है आप गूगल मैप पे डालोगे, होल्ड चंपारण मीट हाउस, बड़ी आसानी से मिल जाएगा आपको।